जैसा कि हमने कक्षा में कोशिका के बारे में पढ़ा है ना, तो जीवन की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है? कोशिका होती है। इसी चैप्टर में आगे चल के ये प्याज की झिल्ली का चित्र दिखाया गया है ना, यानी कि जो झिल्ली होती है प्याज की वो भी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, यानी कि ये देख रहे हैं छोटी छोटी कोशिकाएँ से जुड़कर प्याज की झिल्ली बनी हुई है। इसी चीज़ को मैं दिखाने के लिए बाहर आया हूँ। ये मान लीजिए प्याज है, प्याज का हमने इस तरीका से पत्तल उतार लिया है और इसमें से भी ये बारीक जो होती है ये वाली, ये क्या है? प्याज की झिल्ली। इसको आएगा हम गिलास की, ये रोड है, इसमें दो तीन बूंदे पानी का डाल लीजिए और इस झिल्ली को इस तरीका से रख लीजिए। तो ये आपकी स्लाइड बन गई। स्लाइड बनने के बाद इसको माइक्रोस्कोप से लगा देते हैं। और रोलिंग करके ये काम ही देखो बेटा, इसमें क्या जैसा इसमें जो चित्र बन रहा है ऐसा ही इसमें बन रहा है कि नहीं बन रहा? ऐसा ही है ना, बिल्कुल सेम है ना। जबरील आप भी देखो, दिखाई दे रहा है? हाँ या ना? दे रहा है ना, ठीक है। तो इसके बाद हम कैमरे की सहायता से देखते हैं क्या इसमें चित्र ऐसा बन रहा है या नहीं। कैमरा मैंने चालू कर लिया है, आओ भी जबरील दिखाएं, आओ यहाँ पे आओ। इकबाल देखिए, इसका चित्र लीजिए, ऊपर से ऊपर करके देखो। देखो ये चित्र बिल्कुल ऐसा ही बन रहा है ना, यानी जैसा हमारे किताब में है। किताब में दिखाइए, किताब में जैसा बन रहा है ऐसे ही ये चित्र बन रहा है, सेम है ना जी। तो इस तरीका से हम देख सकते हैं जो प्याज की झिल्ली है वो कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। हाँ चलिए, आपने देखा किस तरीका से जो यह चित्र हमने दिखाया गया था उसको हमने बिल्कुल लाइव माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा है। तो माइक्रोस्कोप से हम सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ों को भी बड़ा करके देख सकते हैं। क्लियर हो गया?